बेदर्दी सज्जान से मार देने के लिए कह रही है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जान तो लेना पड़ेगा तुम्हारा। विजय, मार दो गोली। अरे मार दोगे ना, मार दीजिए। अरे लेकिन हमारा कहना है कि उनको मारने से क्या फायदा हो। अरे हम जिंदा रहेंगे तो आप लोग के बहुत काम आवेंगे, समझ रहे हैं? तुम काम आ सकते हो हमारे? कैसे? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो हमको इस साला दुनिया में नाता रिश्ता कुछ नहीं है सब समझ में आ गया। जो दीदी के लिए हम इतना किए सब चीज सारा दांव पे लगा दिए, दिन का दिन रात का रात नहीं समझे। वो तो देखेगी कितना प्यार करती है, कितना समझती है। अरे वो तुम लोग के आपस का मामला है, उसे हम लोग को का लेना देना। हाँ सही है, लेकिन हमको जिंदा छोड़िएगा तो आप लोग का बहुत मकसद पूरा हो सकता है। कैसे? पर पहले मौका तो दो। साला हम बताएंगे कि वो हमरे मन में उनके लिए कितना इज्जत है। और जब तक साला वो हम बदला नहीं लेंगे ना, तब तक वो हमरे दिल दिमाग पे छा रहेगा। मतलब जिंदा छोड़ दें तुमको? हाँ। आप हमको जिंदा छोड़ेगा इस बात का आपको कभी अफसोस नहीं होगा। हम जो वादा करेंगे वो वादा का पक्का आदमी है। एक बार हम पर भरोसा तो कीजिए। तुम्हारा क्या विचार है विजय? आप बताइए। भरोसा किया जा सकता है इस पर? कल को धोखा दे गया तब? एक मौका तो दे ही सकते हैं, अगर धोखा दिया तो उसकी जिंदगी इसको धोखा दी जाएगी। फिर उठवा लेंगे सारे को, फिर कुछ सुनेंगे ना कुछ पूछेंगे, सीधा खोपड़ी के बीचों बीच गोली मारेंगे। जिंदगी दे रहे हैं बिंदा, और धोखा दिया ना पाताल से भी टंगवा के मंगा लेंगे तुमको। अरे आप क्या कह रहे हैं हमको? हम आपके तब दोस्ती का हाथ बना रहे हैं, तो आप लोग भी वैसे ही ना इज्जत दीजिए हमको। आप बोलिए ना क्या चाहिए आपको। बिंदा सबके लिए तैयार है। तुम्हारी बहन का इकलौता बेटा और तुम्हारा सगा भांजा। सोच लो। सोचना का है? हमारे जान का कौन परवाह किया था जो हम दूसरे का करें? नहीं तो दुनिया का रीत है, यहाँ से दिए वहां से लिए। अब बिंदा ऊ करके आपको दिखाएगा जो सपना में आप लोग देखे नहीं होंगे। ठीक है। याद कर रहा है तुमको, जाओ यहाँ से। चप्पल लेके जाना। अरे सुनिए ना, हम सोच रहे थे कि कल ही जाएं। आ जाएंगे तो लोगों को शक होगा। ठीक है, आज रात को यहाँ रुको, कल चले जाना। कल जाएंगे, देखिएगा बिंदा आपके लिए क्या करता है। सुनने में आया है कि जो आपके दूसरे भाई हैं उनकी किडनैपिंग हो गई है, किसी ने अगवा कर लिया उनको। एकदम झूठ बात, बकवास। उसका नाम बिंदा है
और हमने ही अपने काम से उसे गांव भेजा है। पानी लीजिए आप। जी धन्यवाद। और कोई दूध पिता बच्चा थोड़ी है जो कोई भी उठा लेगा उसे। अच्छा खासा गबरू जवान है हमारा भाई, और फिर किसमें इतना हिम्मत है कि हमारे भाई को छू भी ले। काम से गांव गया है, काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा। चाय के लिए बोला तुम? चाय लीजिए आप। जी उदय आओ। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते उदय, आओ बैठो। तो तुम अपना बयान देने को तैयार हो? जी ठीक है। एक मिनट कृष्णा। यस सर। मैं उदयलाल विजयकांत की बहन मेघा से प्यार करता हूं। हमारे घर वाले चूंकि हमारे प्यार के खिलाफ थे, इसलिए मैं और मेघा चुपचाप अपने अपने घर से भागे, जिसमें पत्रकार दिनकर जी ने, अगर मैं आपसे कहूं तो, एक मसीहा बनकर उन्होंने हमारी मदद की थी। उन्होंने हमें यहां से अपने भाई मधुकर जी के यहां जबलपुर भेजा था, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं और मेघा शादी करके खुशहाल जिंदगी जी सके। फिर पता नहीं कैसे बाबा को इस बात की खबर लग गई और उन्होंने हमें वहां से उठवा लिया। मेघा को तो वो लोग वापस अपने घर ले गए, लेकिन मुझे ऐसी जगह ले जाकर कैद करके रखा जहां दिनकर जी पहले से कैद थे। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिनकर जी पर हाथ उठाते हुए बाबा ने उन्हें धमकाया कि वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बोल रहे थे कि तुम मीडिया के आदमी हो, अगर तुमको जिंदा छोड़ दिया तो तुम बाहर जाकर बवाल मचा दोगे, इसलिए तुम्हें हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर कुछ दिन बाद मौका मिलते ही दिनकर जी की मदद से मैं तो वहां से किसी तरह से भाग निकला, और फिर घर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि दिनकर जी का मर्डर हो गया। मुझे तो ये लगता है कि दिनकर जी का मर्डर जरूर बाबा ने करवाया। देखिए ये बात मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने ही कई बार बाबा ने उन्हें जान से मार देने की बात दोहराई थी। बस अपने बयान में मुझे इतना ही कहना है। वैसे उदय एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपने पूरा वाक्या बयां कर दिया लेकिन विजयकांत का जिक्र कहीं भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस घटना के दौरान विजयकांत कहीं भी नहीं था? कभी आपका उससे आमना सामना नहीं हुआ? जी नहीं, उनके साथ मेरा कभी भी आमना सामना नहीं हुआ। एक्चुअली इस पूरे इंसिडेंट में वे मुझे कहीं भी नजर ही नहीं आए। जब हमारी किडनैपिंग हुई तब भी वे वहाँ नहीं थे, और दिनकर जी के सामने भी मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि विजयकांत जी का इस एपिसोड में कुछ भी हाथ है। और हाँ, इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताऊं, बाबा को मैंने दिनकर जी से कहते हुए सुना था कि बस संपादक दो दिन तुम और जी लो, फिर तुम्हारा अंत मेरे यहाँ तो लिखा हुआ है, हम ही खत्म करेंगे तुम्हारी ये जिंदगी की कहानी। ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गया था, इसलिए उसके बाद कभी तुम्हारा मेघा से मुलाकात दोबारा नहीं हुई? जी नहीं, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है आपने सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर कर दीजिए। अच्छा ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आपके कोऑपरेशन के लिए। चलता हूँ। कृष्णा होते नहीं छोड़ो। नहीं चाहते कि तुम्हारे रोते की लाइफ में और प्रॉब्लम्स आए।
अगर उदय ने अमित कुमार को एक गलत स्टेटमेंट दे दिया ना तो तुम दोनों का फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो भाभी आप ही बताइए कि हम क्या करें। तुम्हें उदय को रोकना होगा स्टेटमेंट देने से किसी भी तरह से। मेगा मैं कैसे रोक सकती हूँ? तुमसे बात करो, उसे समझाओ। मेगा तुमसे प्यार करते क्या तुम्हारी बात नहीं मानेगा? वो गिरो उदय से बात करो, उससे समझाओ कि वो स्टेटमेंट ना दे। भाभी मेगा जस्ट डू इट। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाय मेघा। अच्छा सुनो, तुम अमित कुमार को कोई भी स्टेटमेंट मत देना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो हमारी और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अरे अरे एक मिनट, तुम इतना घबरा भी क्यों? देखो छोटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तो अमित कुमार को अपना बयान दे चुका हूँ। तुमने क्या? क्यों, क्या हुआ? इसीलिए तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए तैयार हुई है यार। मेघा अब देखो, तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि नहीं तुम्हारे बाबा और विजयकांत भैया ने हमारे बिंदा मामा को किडनैप करके छुपा दिया यार। प्लीज यार, इसी तरह से उनका पता करके मुझे बताओ ना, फिर मेरी माँ ना अपने आदमी को भेज कर उन्हें वहाँ से छुड़वा लेंगी। प्लीज, तुम हमेशा सिर्फ अपनी ही सुनोगे या कभी मेरी भी सुनोगे? देखो तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने अमित कुमार को क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दिया है उनको? अरे अब ये पूछ के तुम क्या करो? मैंने कहा ना इस मामले में तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। स्वीटहार्ट, अरे अब इस सब बातों को छोड़ो, सोचो अब हम दोनों के रास्ते की सारी रुकावटें दूर होने वाली है। अरे मेरी माँ शादी के लिए तैयार हो गई है यार, ये कम खुशी की बात है? मेघा अब हम दोनों को ना एक होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ तुमको। डोंट वरी फॉर एनीथिंग नाउ, बी हैप्पी। ओके बाय। उसे भाभी सुना ना आपने, उदय ने अमित कुमार को स्टेटमेंट दे दिया। नहीं आता कि उदय से ऐसी गलती हो कैसे सकती है। मुझे क्या पता भाभी, अब तो उदय ही जाने, पता नहीं अब क्या होगा। मैंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए, एडवांस स्टडी के लिए। पापा इसी बहाने मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गया पापा तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? विदेश में? पापा आप सोचिए कि जब मैं खुद इतनी दूर चला जाऊंगा तो वो लोग कब तक मेरा इंतजार करेंगे? खुद ही वो शादी तोड़ देंगे और मेघा की शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे, और इस तरह हम दोनों बच जाएंगे पापा, और आगे की जिंदगी हम अपने ढंग से जिएंगे। पापा बस आप इतना सा काम कीजिए कि उनसे शादी के लिए थोड़ा सा वक्त और मांग लीजिए। मुझे अपने आप को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता नजर आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग चला गया है क्या? जो बेसिक बैठ के बातें कर रहे हो, इम्पॉसिबल है ये, टोटली इम्पॉसिबल। इतने बेवकूफ नहीं है वो लोग, और भूल जाए ऐसे सपने देखना जो कभी पूरे ना हो सके। एक बात कहूं पापा, आपका अप्रोच देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि भीतर से आप खुद ही ये शादी करवाना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आप उस विजयकांत जैसे बाहुबली के खानदान से, ताकि आपका रुतबा बढ़ सके समाज में। आप उतने बड़े खानदान के समधी कहलाना चाहते हैं,
ताकि समाज में आप अपना सीना चौड़ा करके अपनी इज्जत बढ़ा सके। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी शादी करा के समाज में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता हूँ, अपना सीना चौड़ा करना चाहता हूँ। कहीं का बेहूदा ऐसी बातें करता है, पागल हो गए तुम? तुम्हारे विदेश भाग जाने से मुझे यहाँ वो लोग जीने नहीं देंगे। विजयकांत, उसे अगर तुम्हारे इस इरादे का मालूम पड़ गया तो जानते हो क्या होगा? वो हम दोनों को ऐसी मौत मारेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? तरस आता तुम्हारी बुद्धि पे। बेटा इंदर, मैं तुम्हारा, मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि तुम जिंदा रहो और सही सलामत रहो। इस बूढ़े बाप पे रहम करो बेटा, रहम करो। ये शादी कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी दे। हनुमा में बात हुआ है भैया से, तो बोल रहे कि भी आ रहे। अच्छा, ठीक है, तुम्हें तुम नान से जाओ, बाकी अपना वादा याद रखना। आप लोग हमको नया जिंदगी दिए, ये हम कैसे भूल सकते हैं? और अपना वादा हमको अच्छी तरीके से याद है, एक बार वहां पहुंचने दीजिए, फिर देखिएगा वो देवा का कैसी न्यूज पहुंचाते। चले तब, प्रणाम। चलो बाबू। अरे एक बात तो कहना हम भूलिए गए। अरे इस तरीके से आराम से वहां जाएंगे उन लोगों को शक नहीं होगा, तो नहीं खरीदारी कर लीजिए। उन लोगों को भी तो लगे कि बहुत पिटा के आए हैं आप लोग के कैच। चलो रे अंदाज़ आपको खातिरदारी करो सर। हाँ बाबू, सोच सोच के क्या मारोगे? जल्दी आराम से मारेंगे, चिंता मत। एक सेकंड, मारा हाथ मत हटाइए ना। लगेगा कैसे? डिफेंस चाहिए। अरे बाप, बढ़िया है, ठीक है। ये रुका, भिखारी बना दे। बस बस ठीक है, अब लग रहा है कि तुम फरार कर दी। अरे चार बच्चा दिन तक कुर्बानी देने पड़ेंगे ना। अरे ये देखिए, हम लोग कहेगा ये काम के हाथ से जो है पिटा गया है। चलते हैं तब। प्रणाम। बोलो बाबू, बड़ी मारे हो यार। लेकिन काका, ये बिंदा हमको भरोसा के काबिल लगता नहीं। खुलो गेट, खुलो, आइए। प्रेस कंट्रोल। देखिए हम लोग बाबा का हवेली में पहुंच गए। आइए बैठिए। मैं
मेघा से फिर पूछताछ करने आए? जी नहीं, वैसे तो हम कल ही आने वाले थे, मालूम चला कि आप लोग यहाँ पर हैं नहीं, इसलिए आ जाना पड़ा। चलना पड़ेगा आपको साथ में थाने, अरेस्ट वारंट है आपके खिलाफ। क्या कह रहे हैं, होश में तो हैं? इसको देखिए आप, पढ़िए क्या लिखा है। अरे हमको नहीं देखना आपका अरेस्ट वारंट, आप जानते नहीं है किसके घर में बैठे हैं आप? अच्छी तरह से जानते हैं, महाराजगंज के एक गुंडे के घर में। मुंह संभाल के बात कीजिए आप। चुप, बहुत देर, अंदर समझाइए। विजय कांत जी समझाइए, क्योंकि जितनी बंदूक और गोलियां हैं आपके पास, इससे कहीं बड़ी फोर्स है हमारी। इसलिए बेहतर होगा कि कानून के दायरे में रहकर हम काम करें और आप लोग अपनी सीमाओं में। भवानी, आप ही बताइए बाबा को किस इल्जाम में अंदर कर रहे हैं आप? दिनकर जी की हत्या के आरोप में। अंदर कर रहे हैं आप? दिनकर जी की हत्या के आरोप में। रही पावर की बात, तो जितनी पहुंच है आपकी, आप इस्तेमाल कर लीजिए। कौन बोला आपको कि दिनकर का मर्डर बाबा ने किया? उदय लाल ने बाबा के खिलाफ गवाही दी है। कोई कुछ भी गवाही देगा तो किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा आप। देखिए, सच और झूठ का फैसला अदालत में होगा, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि बाबा बिना किसी रोक टोक के हमारे साथ चले, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, प्रॉब्लम हो जाने दीजिए, देखते हैं कैसे ले जाते हैं। शांत रहिए आप लोग, जाने दो हमको, कौनो बवाल खड़ा करने का जरूरत नहीं है। आपको समंदर चाहिए, हम संभालते हैं। इधर कमाल हो गया, डायरेक्ट घर में घुस गया। बताइए, इस साला जब से अमित कुमार आया ना, तब से बहुत रंगदारी दिखा रहा है। नया खून है, जोश मार रहा, सब हो जाएगा। जा, कुछ भी हो जाए, बाबा को जाने दीजिए। देखो बाबा को, तुम रास्ता तो पापा, हम आपको जाने नहीं देंगे। आप नहीं जा सकते बाबा, बाबा शुरू से हम आपके साथ रहे, ऐसा स्थिति भी हम आपके साथ हैं। बाबा हम आपको जाने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं जाने दो, ऐसे ही कोई आपको ले जाएगा, जाने दो। नहीं बाबा, जाने नहीं देंगे। आप लोग कुछ में चलिए, चलिए आप लोग। तोरे कुलचनी, ये सब तोरे कारण बा, ना तू घर से भागे, ना दिन कर बा मरे, और ना बाबा के जेल जाएगे पड़े। तोरे कुलचनी, कौन घड़ी में जन्म लेना था तू? हाँ, पूरा खानदान के नाक कटाते भी जेल ना पड़ना तो रखे। हाँ, आज हम तोरे के सही पाठ पढ़ाइए के रहा। देखा था? Let's go.
ससुरा, अरे सारा इज्जत चल गया जी। उस सीआईडी ऑफिसर घर में घुस कर गिरफ्तार करके ले गया बाबा को। सही बात है, बाबा को धर के ले गया ना, धज्जी उड़ा कर रख दिया इस शर्मा खानदान का सीआईडी अफसर होगा। अरे हमको तो लगता है कि शर्मा खानदान का पतन समझो शुरू हो गया है। अरे विजय कांत बाबा के बिना कुछ कर भी नहीं सकता है, वो अकेले करेगा का? सारा दिमाग तो बाबा का ही चलता था, अब बाबा चले गए अंदर। चुप रहे तुम लोग। बाबा विजय कांत को इतना काबिल कर दिए हैं कि वो सब संभाल सकता है अब। आखिर अमरकांत बाबू का खून है। ठीक कह रहा हूँ भाई, विजय कांत कोनो कमजोर आदमी नहीं है। देखते जाओ कि बाबा को पुलिस कितना दिन अंदर रखता है। यार बेसी पुटानी मत झाड़ो, ये महाराजगंज का पुलिस नहीं है कि अभी गए और चल आए। ए बाबू, ये सीआईडी ऑफिसर है, अब बाबा जल्दी आने वाले ना है, जन है। बाबा अगर ढेर दिन अंदर आ गए ना तो दुलारी देवी का पूरा वर्चस्व बन जाएगा, और हमको लगता है कि दुलारी देवी बाहुबली बन जाएंगी और उसके बाद इस शर्मा खानदान को चुन चुन के बदला लेगी। ये सब इतना आसान भी नहीं है, निशा जी के हाथ में पूरा प्रशासन है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी बाबा के लिए। विजय कांत भी कमरे चुप बैठने वाला नहीं है। ए भाई, हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि महाराजगंज में फिर से वही खूनी लड़ाई चालू होगा। दोनों लड़ेगा और लाश गिरेगा, पूरा महाराजगंज लड़ाई की आग में चलेगा। अरे देखो भाई, अब जो भी होगा ना, देखने के लिए तैयार हो जाओ बस। खुशी का बात है ना, हम जिंदा आ गए। बैठो बैठो बैठो, कितना चोट लग गई तोरा के? पुतन देखो बिंदा आ गई। कितना भगवान से प्रार्थना किया हम बिंदा तोरा खाते, तू आ गई भाई, हम बहुत खुश बानी। आप प्रार्थना किए, इतना पूजा किए, तभी ना हम जिंदा आए। कितना बच बचा के आ गए। अरे ये वो बात बताओ कि तुम उनके कब्जा से निकल कैसे गए? अरे बाप रे बाप, का बताएं, कौन सा काल कोठरी में लोग बंद किया था। हाँ। हम तो भागने का बहुत कोशिश किए, इन लोग का आदमी आ जा। अच्छा, उठा पटक चालू, हमरे हाथ में वो बाल्टी हाथ लगा, देव बाल्टी रख दिए, बाकी चार आदमी का जो है ना गेम डाउन कर दिए। देखो ये हमारा असली भाई पुतन। हाँ। हमरा संगे सब कुछ ठीक हो रहा बा, उन्हें उदय बाबा के खिलाफ गवाही दे देले बा, एने बिंदा घर आ गए बा, हम बहुत खुश बानी। अरे डॉक्टर के बोला बा लोग। जी मालकिनी, अभी जा, ना धोला, जा, 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 बैठा। ए बिंदा रुक, 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 एक मिनट। का भाई? तोरा घरे आवे की खुशी में हम तोरा के एगो तोहफा देवे के चाहता नहीं, रुक। कैसन तोहफा दितनी? ये देख, तोरा ला हम एक लड़की खोज ले ले बानी, और बहुत जल्दी हम तोहर ब्याह करावे वाला बानी बिंदा। हम ब्याह हुआ ना करो। काहे ना करबा ब्याह? हां इतना अच्छा लड़की बा, और तू? हम अपने जिंदगी में अकेले बहुत खुश हैं, भाई लड़की अच्छी है ना। ए पुतन देखो तो, कर लो ब्याह। और तू काहे ना करब? अरे हम कहता नहीं कि तोरा के ब्याह करे के पड़ी बिंदा, ब्याह कर लो बिंदा। हां हमने हम तो कह दिए हैं हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इतने नौटंकी का शौक है तो पुतनवा का करवा दोगे? ये देख
अचानक का हो गए? कैसे बात कर रहा हमरा से? अरे कुछ ना दीदी, मारा पिटी कर के आओ तनु तो कर दिमाग गरम बा, तू थोड़ी देर आराम करी तो ठंडा हो जाए, उकरा बात समझाओ ले। ए मालकिन तू बैठो। अरे मालकिन को बहुत बड़ा खुश खबर लेके आया है। अरे जो सीआईडीएफ सर आया को था मर्डर केस में, हाँ, बाबा को पकड़ के जेल में लेके गया। अरे ये तो बहुत ही बड़का खुशी बा। अरे मिठाई बटवावा लोग, लड्डू बटवावा, बहुत ही अच्छा खबर बा। ए सुन सुन, हाँ। गांधी चौक जो जोहिरा के मिठाई दुकान से 1000 के मिठाई ले। बिल्कुल। बोल पुतन भैया भेजले हैं। हाँ। अरे दो चार को फायरो कर दिए। अब जो निकल जल्दी। अरे भैया अब आई है असली मजा। अब हम देखत हैं कि शर्मा खानदान कैसे बचाता है अपना इज्जत को। बाबा तो अंदर गया। पुतन। हाँ दीदी। विजयकांत का खेला खत्म करने का तैयारी करो। ठीक बा। क्या बात है? विजय भैया, मैं और घर के सभी लोग जो जानते और समझते भी हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और काफी टेंशन से गुजर रहे हैं। नहीं, अच्छा बात है कि घर वाले हमारे टेंशन को समझ रहे हैं, लेकिन उस टेंशन का निपटारा भी तो हमको ही करना होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ कि अब आगे क्या करना है, बाबा को जेल से बाहर कैसे निकालना है। आखिर हम दोनों को बैठकर सोच समझ कर ही ये डिसीजन लेना होगा। हम इतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है तुमको, हम बहुत बढ़िया से जानते हैं कि हमको क्या करना है। जी भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ आपका दुख बांटने आई हूँ। जी नहीं, तुम हमको यहाँ बताने आई हो कि हमको क्या करना चाहिए। ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है, अपना जो दिमाग है अपने पास ही रखो और एक बात बढ़िया से समझ लो, तुम कभी बाबा का जगह नहीं ले सकते। मैं सिर्फ यहाँ ये सोचकर आई थी कि मैं आपकी मदद करूंगी। बहुत मेहरबानी आपका, लेकिन हमको आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, हम अकेले ही काफी हैं सबके लिए। हम खुद ही प्लान कर लेंगे कि बाबा को कैसे निकालना है, आप जाके जरा अपना काम देखिए। विजय भाई, आप क्यों नहीं समझते कि बाबा कोई महाराजगंज पुलिस की कैद में नहीं है, वो सीआईडी की कैद में है। और आपको क्या लगता है वहां से बाहर निकालना इतना आसान होगा? तुम अपना उपदेश बंद करो, निकलो यहां से। क्या बात है भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं यार मेरे विजय भैया का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मुझसे रूडली बात करते हैं। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, पता नहीं इतनी कड़वाहट क्यों है उनके नेचर में। ये कैसा नेचर है? निगम में मां सिर्फ ये सोचकर गई थी कि विजय भैया परेशान है, मैं जाकर कुछ मदद करूं। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम यहां से जाओ, अपना काम करो और मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। निगम से तो कोई अपने दुश्मन से भी बात नहीं करता है। हम उनके स्वभाव को तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हें आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा नहीं कि वो मेरे साथ कैसे बात करते हैं? मेरा अगर कोई एक आध बार ऐसे बात करे ना तो हम समझ सकते हैं कि इंसान गुस्से में था इसलिए कुछ कह दिया, लेकिन वो तो हर बार ऐसे ही बात करते, आखिर कब तक तो कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, उनके मन में ना तो किसी के लिए फीलिंग्स है ना कोई रिस्पेक्ट है। भाभी जाने दीजिए ना, ये सही समय नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने का। इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि समय आने तक सब कुछ खत्म हो जाए। भैया सिर्फ अकड़पन से काम नहीं चलता है, और वैसे ही बाबा के बिना हम सब कमजोर हो गए, और वो भाई साहब तो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। भाभी आप प्लीज अपना पेशेंस मत लूज कीजिए, वैसे भी इस वक्त आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाबा
हैं बुजुर्गों को इज्जत से बोलते हैं। लगता है कि अमरकांत के घर वाले काफी सगे हैं आपके, इज्जत करते हैं आपके। जब तक अमरकांत जिंदा थे आप उनके काफी करीबी थे और काफी गलत सही काम किया आपने उनके लिए, और अब विजयकांत के आने पर बुजुर्ग होकर भी आप वही काम कर रहे हैं। खैर, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए कि आपने दिनकर जी की हत्या कैसे की? सही सही लगता है कि आप कुछ बोलने के मूड में नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, चाहे आप ऐसे बोलें या फिर वैसे हम बुलवाएं जैसे पुलिस बुलवाती है, मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स, पर बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना? यस सर। क्या करोगे? पुलिस का थर्ड डिग्री दोगे हमको? टॉर्चर करोगे? जी हाँ। अब क्या लगता है कि ये सब यहाँ पे आपकी मेहमान नवाजी के लिए आए? अमित कुमार, अगर हमें एक उंगली उठा देना तो तुम यहाँ से वापस अपने घर नहीं जा पाओगे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं घर जाओ और आराम करो। तुम हमको गिरफ्तार कर लिया, यह बहुत बड़ा। पहला बात, कुछ भी कर लो लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दूसरा बात, जो थप्पड़ मारे हो ना हमको, इसका रसीद तुम्हारा अगला 3 पीढ़ी तक को पहुंचाते रहेंगे, इस बात का खातरी देते हैं तुमको। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो, सुना है ना, जान है तो जहान है। अभी फिलहाल अपनी जान की चिंता कीजिए। धमकी दे रहे हमको? समझा रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर लगे हुए आरोप साबित नहीं होंगे? मेरे पास ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी, समझे? देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? एक तो हम कहां कहां से खोद कर एक पंडित पुजारी की बेटी का ब्याह इसे ठीक कराने गए, और ये हमारा एहसान मानने के बदले हमारा जान लेने पर तुरे। अरे मती मारी गई थी अपनी गुंडे बवाली की शादी ठीक कर दे गए। बोला रे साला, हैं? हम पे एहसान करने चला था रे, किससे पूछे तुम हम पे एहसान कर रहा? अरे साला, मारो हम पे नंदा भैया, मार दोगे क्या भैया जी? मत मार जाइए भैया जी। ए भैया जी, एहसान करने चले थे साला, अपना जिंदगी तो कभी संभला नहीं। ठीक आ गया भैया, भलाई का जमाना नहीं रहा, हम चले थे होम करते,
और अपने ही हाथ चला सके। अरे साला, होम हवन पुजारी के बेटी क्या करना। अरे दमाद है ना, रे दमाद है तो दमाद की तरह दोबारा शादी कराने का कोशिश किए हो तो गली का कुत्ता बना के मारेंगे साली। अरे साला, बाप ना छोड़ा था है? बड़ा मजा आया ना रे साला, काम पहरेदारी कोई ठीक नहीं, चल साला बस। ये तो साला सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगा, सब मामला उल्टा पड़ गया। ब्याह कराने के नाम पर गज्जू से 50,000 एडवांस भी खींच चुके हैं, ऐसे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अब कुछ नया गेम खेलना पड़ेगा। ए सीमा, सीमा रानी, अरे कहाँ हो? और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको सही सलामत मेरे पास भेज दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके अपहरण का खबर सुनके मैं कितनी घबरा गई थी। पता है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। हम कौन सा गद्दा पे सोए हुए थे जानती हो? हमको भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आता। ठीक कह रहे हैं आप। आजकल हमें भी लगता है ना कि हम दोनों अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन आपके अपहरण के बाद ना मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे और मैंने एक सपना भी देखा। तब से ना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कैसा घबराहट? मैंने सपने में देखा कि आप दोनों भाई में झगड़ा हो गया है और पुत्र ने आपको गोली मार दी। तुम भी ना उल्टा पुल्टा सपना देखते रहती हो। बताओ, हमको पुत्र वहां काहे गोली मारेगा? हमके क्या पता, हमने जो देखा वही बता दिया। लेकिन सब लोग बोलते हैं ना, सुबह का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अरे तुम भी ना एकदम बेकार वाला बात करती हो। आपको ये लगता होगा, लेकिन इस बात की खबर हमको पहले से ही थी। कैसे बात की? यही कि पुत्र ने ही आपके बारे में विजय कांत को बताया था, इसलिए तो आपका किडनैप हुआ। ये क्या कर रही है तुम? हाँ, ये कहाँ से सुन तुम? कौन बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कान में आ गया। चल कान में पड़, जल्दी बताओ, बताओ ना कौन बोल रहा था। हमें नहीं पता। पता नहीं है तो कान गया था अकेले? सब हमारे पीछे। ए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ ना। हम आपसे इतना प्यार करते हैं। प्यार करते? हम आपको जान देते हैं और आप हैं कि हमको ही गाली दिए जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, मार डालो हमको। आप मेरा गला दबा दो ना, हम जिंदा रहेंगे और ना हमारे कारण आपको परेशानी होगी। मार डालिए हमको। अरे तुम भी ना काहे के लिए बेकार का बात करती हो? सीमा, तुम बेकार का बात करती हो तो ना मेरा मूड खराब हो जाता है। आओ बैठो। अच्छा बताओ, कौन बोल रहा है? कौन बोला था ये सब? छोड़िए ना आप, इससे ज्यादा जरूरी बात है कि हमको ना आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है। लेकिन एक बात पे ना जरूर गौर करना कि तुम्हारे किडनैपिंग में पुत्तन का हाथ था या नहीं। भगवान ना करे ये बात सच हो, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है। भाई को भाई का दुश्मन बनने में भी देर नहीं लगती है ना। के चक्कर में सारा सारा दिन पड़ा रहते हैं। हाँ कहाँ बता, ये लो पूछ लीजिए। अरे ये पुत्तन। हाँ। ये बिंदा के कहाँ नौटंकी चल रहा बा? नौटंकी? कौन नौटंकी? तो हम कुछ पूछ नहीं ना। देखा पुत्तन, हमरा संगे ज्यादा नाटक करे के जरूरत नहीं है।
चोर के चोरी छिपावे वाला भी चोर कहल जाला। अब हमसे पूछतानी ओकरा साफ साफ जवाब दे हमरा के। बिंदा रोज जाला चमकी भाई के कोठा पर सीमा से मिले। दीदी अब का बताई हम अच्छा बोल के तू ही पूछ ले लू, हम तो बताई वाला नहीं है एक दिन ही। आखिरी बात कितना दिन छिपी? अरे सीधे सीधे बताइए कि बिंदा महाराज का रासलीला आजकल रोजे चल रहा है ना। अरे का बताए मेहमान, वो रोजे जाके बैठा रहता है वहीं चमकी कोठा पे, और यही के चलते तू ब्याह करने से मना कर रहा है। अच्छा तो ये बात है, तो पुत्र ने काम करा वो दोनों महतारी बेटी के उठा के ला आइया, हम मिजाज दुरुस्त करता नहीं दोनों के। अब खड़ा खड़ा मुंह का देखा तारा, जा यहां से। दीदी वो बिंदवा अभी वो में बैठल हुई, वो आवे ना दी। अरे लावे कैसे ना दी, ये हमार ऑर्डर बा। और बिंदा तनी टेटे पेपे करे तो सीधा हमरा से फोन पे बात करा दिया, और तब वो अगर ना माने ससुरा के दो कान के नीचे बजावे के पड़ी, समझ गए ले। और तोरा के डरे के कोनो जरूरत नहीं है, अपना आदमी सबके साथ निश्चिंत होके जा, दोनों माए बेटी के घसीट के लावा आइया। ठीक बा, जब तोरे ऑर्डर बा तो चिंता कोनो बात नहीं है। बुझो कि हम गई नहीं और वो दोनों छिनाल के लगे आज तक बस। बिंदा आवे थे महतारी बेटी के, हम औकात दिखावत आए। भैया जी बाबा का चिट्ठी भीतर से भिजवाए। फिर भैया कैसे हो भैया, यहाँ हम एक सिपाही को फोड़ लिए हैं, उसी के जरिए चिट्ठी तुम तक पहुँचा होगा, आगे भी वो चिट्ठी लाता जाता रहेगा। अभी तुमको इतना समझाना है कि तीन बात का पूरा ध्यान रखना। पहला ये कि मेघा का ब्याह एकदम टाइम से हो जाना चाहिए। दूसरा, घर से निकलते वक्त तुमको अब हमेशा बहुत सावधान रहना है। और तीसरा कि कोर्ट में पहुँचते से पहले वो कबूतर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये तीन बात जरूर ध्यान रखना। कोर्ट में हमारे पैसे के बाद तुम हमसे मिलने आ सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले अमित कुमार हमको किसी से मिलने नहीं देगा, वो यहाँ हम पर हाथ उठाया है, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी बस तुम अपना ख्याल रखना बाबा। अभी जाके साले को लूला बना दे, दोनों हाथ काट दे आरामी का। भैया जी बाबा कहलवाएं कि अभी हम लोग को इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देना, हम लोग को अभी चुप रहना ही ठीक होगा। समझ रहा है बाबा ने, सब समझ रहा है, लेकिन अपना भी वक्त आएगा बाबा ने, जरूर आएगा। तभी अमित कुमार अपना करने पर बहुत पछताएगा। हाथ ही लगाएगा, हाथ कर देंगे। झूठ! अरे तुम पुराना बात भूल गया, दीदी का ऑर्डर, दीदी बुलाई है, पार्लियामेंट पे ले जा रहे उसको। जो बात करना है बाहर बात करना, गेट आउट। ए हट, तुम छोड़ेगा रे? चुप साला, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, हाँ क्या कर लेगा, कर लेगा। हाँ चोर साला पियक्कर तू, अरे छोड़ मारेगा तू, कार इसके बाद बुलाओ साली को।
वो चमकी को बुलाओ। अरे पुत्तन बाबू आप मरेगा नहीं, साला पट्टी लगवा के आ जाएगा। चल चल साला, हम पे हाथ उठाएगा साले। भाजी जी, ओ भाजी आ गली संदूक छीना। अरे बाहर ही रह दे कमीनी दोनों के। ए पुत्र बच्चा, तू ही चमकी बाई है ना? लेकिन बड़ा हां से कोनो गलती हो गई का मालकिन? पहले हमरे देवर को फसाई और अब हमरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। नहीं मालकिन, पूरा महाराजगंज में हमरा ही घर मिला था तुमको बर्बाद करने के लिए। नहीं नहीं मालकिन, हमने तो ऐसा कोनो काम ही नहीं किया। पता नहीं ये लोग। और तुम सीमा रानी हाँ, कहाँ की रानी हो तुम? जवानी की अदा दिखा दिखा के हमरे देवर को तुम ही बरगलाई थी ना, और अब अपनी अदाई दिखा दिखा के हमरे भाई के पीछे पड़ी हो। ऐसा दुर्गति करेंगे हम तुम्हारा? काहे दुर्गति करेंगे हमारी? अब हमको बोलने दो, हमने क्या गलती की है अभी? हट हमसे, हमसे जबान लड़ती है बिल्लारी देवी से, जबान लड़ती है। काहे मार रही है आप? हमारी क्या गलती है? बिठा रहा हूँ सब आपसे, जो होगी जिंदगी बर्बाद कर दी और कहती है कि क्या गलती है। हम काहे आपकी भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे? हम तो यहाँ पे बैठेंगे बिकने के लिए। अरे अम्मा बोलने दो, जब खरीदार जेब में पैसे लेके आएगा तो हमको तो बिकना ही होगा। अरे क्या बोल रही है? चुप हो जाना, खरीदने के बाद बर्बाद हो यहाँ बात। अरे क्या बोल रही है? बहुत जबान चल रही है, बहुत जबान चल रही है। हमसे जबान लड़ाती है कुतिया, पता है किसके सामने खड़ी है? भूल गई तुम? एक बार कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया ना, साला ऐसा हालत करेंगे तुम्हारा, नो मर्द तुमको देखेगा भी नहीं। ले जाओ मालकिन। नहीं दे जाओ मालकिन, ऊपर से फेंकवा दो। अरे नहीं खत्म कर दो। नहीं मेरे से गिरवा दो, ऊपर से गिरवा दो दोनों को। चल खत्म कर दो। पड़ते मालकिन, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे जवान लड़ाती है मालकिन? ये बच्ची है, ये नादान है, इसको कुछ पता ही नहीं है। चुप हो जाओ, तो हम आपके पैर पड़ते हैं। बात नहीं करना चाहते हम, बात नहीं करना चाहते हम। अब हम आपको जवान ले जाओ, हम कहते ले जाओ, फेंक दो। नहीं मालकिन, हम कसम खाते हैं, आप बिंदा बाबू हमारे कोठे पे कभी नहीं आएंगे, कोठे पे देखे हमारे चौखट पे भी कभी नहीं आएंगे। अब आपके पैर बात नहीं करना है हमको। पैर पर, पैर पर जमान बंद करो, जमान बंद करो। हमको आखिरी मौका दे रहे हैं हम। अब अगर बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, समझी? हम आपको लेके जाओ। चल उतरवा लेंगे हम। हमसे जबान लड़ाती है साली कुतिया। मैडम, कॉफी? थैंक यू।
खोई हुई हैं आप? बहुत अपसेट लग रही हैं। आई थिंक सीरियस। सुबोध जी, मुझे लग रहा है कि मेरे फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दिनकर मर्डर केस में सिर्फ बाबा का नाम क्यों आया, विजय भैया का क्यों नहीं? ये जरूर दुलारी देवी का दिमाग है, वो कोई बहुत बड़े गेम खेलने की तैयारी में है। निशा जी, संभव है जो आप कह रही हो वो ठीक हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर इतनी चिंता करने की कोई जरूरत है। सुबह जी, मुझे लगता है कि आप अभी तक ठीक से दुलारी देवी को जान नहीं पाए। वो बहुत ही तेज दिमाग की औरत है और कब कौन सी चाल चल दे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब दुलारी देवी के बारे में क्या अंदाज लगाना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, लेकिन आप अमित कुमार को नहीं जानती हैं। He's a brilliant officer from CID department. एक बार किसी इंसान से मिल लेते हैं ना तो उसका पूरा एक्सरे कर लेते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही बता देते हैं। या अगर ये कहूं कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं तो गलत नहीं होगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि दुलारी देवी एक साजिश कर रही है, और अगर कर भी रही है तो अमित कुमार जैसा ऑफिसर उस साजिश की तह तक जाकर न केवल उस साजिश को खत्म कर देगा बल्कि साजिश करने वाले इन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। बहुत सोचती हैं आप। Nice coffee. Thank you. Okay. इतने में पड़े हुए हमारी ये हालत हो गई। तुम लोगों को कहाँ ले गए थे पुतलमा? अपनी बहन के दरबार में ले गए थे, और कहाँ ले जाएंगे? देखिए, हम दोनों माँ बेटी का कातिल गति किया है, और ये सब हुआ आपकी वजह से। ना आप यहाँ पर आते हैं, ना हम दोनों का ये हालत होता। हम पर एक मेहरबानी कीजिए, आप यहाँ से जाइए। कभी इस तरफ झांकिएगा भी मत, कभी नहीं जाइए आप यहाँ से अब। अरे, क्या बोल रही हो चमकी भाई? वही कह रहे हैं जो आपकी बहन का हुक्म है। उन्होंने कहा है आप, कभी उनको पता लगा कि आप हमारे महफिल में आए थे तो हम दोनों माँ बेटी का जान लेने की। आप जाइए। कैसे जान लेंगे? वो कौन होती है जान लेने वाली? अरे इतना हिम्मत हो गया? अरे वैसे ही जान लेगी? अरे हम बिंदा है महाराजगंज के राजा, जान ले लेंगी। अरे एक दिन तो दारू पिए उसी में सब तमाशा हो गया। अरे नशा में गलती नहीं होता आदमी को, कितना हिम्मत हो गया उनका, वैसे बोलेंगी। और काका, नहीं कहा उन्होंने हमको, देखिए कितना मारा। अरे? हम तो कितना प्यार करते हैं, हम तो बस यही सोच के परेशान हो रहे कि आपको बिना देखे हम कैसे जिएंगे। चल हट तू, इधर आ, इधर आ। ये सब सब हुआ तेरी वजह से। ना तो इनसे दिल लगाती, ना ये हालत होती हमारी। दिल लगाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि किससे दिल लगा रही है। अरे ये महाराजगंज की मालकिन दुलारी देवी के भाई है ये भाई। हम लोगों की ऐसी औकात नहीं है कि इन बड़े लोगों के साथ दिल लगाए, समझी? भूल जा इनको। हम तो दिल दे चुके हैं, अब गले लगा लीजिए या ठुकरा दीजिए, ये आप पर है। लेकिन लेकिन ये सीमा अगर आपको प्यारी है ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब जल में रह के हम लोग थोड़ी ना मगर से पैर कर सकते हैं। जिंदा बाबू का बच्चा है क्या जो बाप को नहीं समझेंगे? अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं ना तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मर्द है, करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। हम जा रहे हैं, फिर आवेंगे सीमा रानी के पास। चिंता करने का कोनो बात नहीं है, तो बढ़िया हुआ कि पता चल गया कि कौन सगा भाई है कौन सगा बहन। पहले उल्लू का साला, हम एक दिन नशा में ना आ गए कि हमरे ऊपर। आपके भाई को छुड़ाने में पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है? 50 लाख का मांग किया था सब, इतना कहां से? हम ऑलरेडी कम करा के सेटलमेंट करवा दिए हैं।
रोज उठाया तुम्हारे भैया को, वो भी तो अपनी जान पर खेल करके सब कुछ है, वहाँ तो इंश्योरेंस भी नहीं तुम्हारे भैया जैसा। अब देखो विरोधी दल का अरे अरे हमको मारना चाहता है रे। अरे अरे हमको सब खबर लग गया बंदा, बोल कौन बचाएगा साला। एक दिन हम दारू नहीं पी लिए कि तुम हमको चढ़ चढ़ के मारा रे। देखो चिल्ला अरे साला रंडी के चक्कर में हमला अपना टूटा रहा रे। बोल जिंदा बोल रंडी रंडी साले बोल साला रंडी। अरे घर का इज्जत का ख्याल रख नहीं वाह साले जान मार दे रे ओ साले साले। अरे कौन बता रे ए साला साला तू इज्जत का ख्याल है कि नहीं तुमको घर के इज्जत का ख्याल है कि नहीं रे साला तुम्हारे मन में का है रे। मार देंगे साले कल दिन दबा देंगे गोली चला दिया तुम मारना चाहता है ना हम तुमको मार साला कौन बताया साला तुमको मारना चाहता है रे बताएगा कौन साला रंडी के चक्कर में तू अरे छोड़ छोड़ अरे दीदी दीदी रे साला रंडी पर ए ए का करता छोड़ छोड़ दीदी ने एक बंद गोली मारता साला पर छोड़ छोड़ दो छोड़ दे छोड़ पतू छोड़ अरे छोड़ 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 रखे नालायक भाई होके भाई का जान लेगा हाँ खानदान के नाम तो डुबा दे ले तू उल्टा अब भाई पे इल्जाम लगा रहल बा एक बाजार औरत के खातिर ब्याह नहीं के करे के चाहत तू एक बात कान खोल के सुन ला तोरा के उहे लड़के से ब्याह करे के पड़ी जेकरा के हम पसंद कहीं नहीं है नहीं तो हम तोरा के गोली मार दे साला समझ ला जा अंदर आंख नीचे इने दीदी जा हम भी जा कंधों से मिलके कर किडनैप कर ले बनी और साला हमें का मरवावे के चाहता नहीं समझा दे एकरा के हमरा जान लेने चला है नहीं जा यहां से जी बे अब लड़े जा तू साला दुगला दुगला कर चुप नालायक ये सब सीमा कुमारी के नसाबा वो रंडी के चक्कर में साला हम पे हाथ उठा रहा है हम यहाँ बैठ के फोन लगाओ तो नहीं बैठा भी नहीं अचानक घुसल आंधी की तरह और कालर पकड़ के लगल मारे हमरा के देख फिर आगे दीदी अब तो ए बिंदा निकल साला चल औकात की बात कर देंगे अरे औकात हम दिखाएंगे तो रखे अभी नसल ही उतरा है साले का दिख रही हो जूता से मारेंगे ना तब पता चलेगा जी आप आइए प्रणाम अचानक आइए बैठिए अरे पंडित जी के कारण हमको आना पड़ा बताइए पंडित जी राह जजमान की जो शादी का पहले का डेट था वो तो 7 दिन के बाद है और जब हम इधर पंचायत फिर से देखे तो हमको ध्यान में आया कि उससे भी बढ़िया मुहूर्त तो पहले ही है बस 3 दिन बाद सब काम में देरी नहीं होना चाहिए प्रोफेसर साहब इसलिए हमको आना पड़ा पंडित जी के साथ तब 3 दिन बाद का समय ठीक है ना अब जब शादी तय हो चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है शादी 3 दिन में हो या 7 दिन मुझे कोई एतराज नहीं ठीक है हम चलते हैं लेकिन मुझे एतराज है क्योंकि ये शादी मुझे मंजूर है मैं ये शादी नहीं करना चाहता नहीं नहीं विजयकांत जी ऐसी कोई बात नहीं है आप अचानक पंडित जी को साथ लेके आ गए इसलिए थोड़ा मजाक के मूड में आ गया है इसने सोचा कि शादी कितनी हड़बड़ी क्यों बेटा यही बात है ना जी हा? जी पिताजी यही बात है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था इतना सीरियस बात में मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और एक बात बढ़िया से याद रखना उम्र और रिश्ता में हम हमेशा तुमसे बड़े रहेंगे आप नाहक नाराज हो गए विजयकांत जी नादान है धीरे धीरे समझ जाएगा आप तो समझदार हैं ना प्रोफेसर साहब जी आप शादी का तैयारी कीजिए चलते हैं प्रणाम